हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जो एक्सपर्ट लेवल के प्लेयर है, जो ग्रैंड मास्टर या इंटरनेशनल मास्टर बनना चाहते हैं आगे जाके और अपना रेटिंग इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशली मैंने ग्रैंड मास्टर कैलकुलेशन के बारे में एक वीडियो बनाया है। एक वीडियो नहीं, यहाँ से मैं लगातार आपको यही सीरीज आपको देता रहूँगा। ओपनिंग तो बहुत सीख ली हमने, बहुत सारी ओपनिंग्स मैंने आपको दिखा दिए दोस्तों, और भी मैं आगे ओपनिंग भी बनाता रहूंगा वीडियो, और मिडल गेम के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट लाइक अ ग्रैंड मास्टर, इस वीडियो में खास आपको ये टोटल 8 जो है, देर आर टोटल 8 कैलकुलेशन टेक्निक्स होती है ग्रैंड मास्टर में। तो ग्रैंड मास्टर कैलकुलेशन में पहली जो टेक्निक है, नंबर 1, आप देख सकते हो साइड में कैंडिडेट्स मूव, आप अपने नोट में लिख सकते हो कि कैसे कैलकुलेशन करना है। तो पहला जो है टॉपिक कैंडिडेट्स मूव, उसके बारे में हम बैक वीडियो में ये सभी जो टॉपिक्स है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, लेकिन मेन फोकस आपको अभी बता रहा हूँ। कैंडिडेट्स मूव का मतलब है कि आपको 3 कैंडिडेट्स मूव चॉइस करनी है। जब भी आप मूव करते हो तो 3 कैंडिडेट्स मूव चॉइस कीजिए, उनमें से बेस्ट एक सिलेक्ट करना है, इसे कहते हैं कैंडिडेट्स मूव। दूसरा जो है प्रोफिलेक्सिक्स, मतलब अपोनेंट के आइडियाज। इसका मीनिंग क्या है? अपोनेंट के आइडियाज आपको समझने हैं पहले। जब भी आप मूव करते हो तो उसके बारे में, अपोनेंट जब बिफोर वो खेला है तो वो किस लिए खेला है वो आपको देखना है। थर्ड जो है कंपैरिजन। अब दो सिमिलर डिसीजन आपको दिख रहे हैं तो उसका कंपेयर कीजिए डिसीजन, कि आप लाइक नाइट टेक्स पॉन मार रहे हो, एक साइड आप नाइट टेक्स बिशप मार रहे हो, एक साइड आप नाइट टेक्स नाइट मार रहे हो। फॉर एग्जांपल, अब इनमें से आपको कंपेयर करना है कि कौन सा तरीका, कौन सा वे आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसे कहते हैं कंपैरिजन। एलिमिनेशन मतलब आपकी कोई भी रॉन्ग मूव हो जाती है गलती से तो आप उसे सुधार भी सकते हैं नेक्स्ट मूव में या 2-3 चाल के बाद, तो ये करेक्ट करना है। पांचवा जो है ये बेस्ट है इंटरमीडिएट मूव्स। कभी कभी आपको गेम जीता भी सकता है और अपोनेंट की इंटरमीडिएट मूव आपने नहीं देखी है तो आप गेम लॉस कर सकते हो। इंटरमीडिएट मूव के बारे में पूरा वीडियो में अलग से बनाऊंगा, लेकिन इंटरमीडिएट मूव क्या है कि जैसे कोई डिसीजन हम किसी पीस को मारते हैं तो मारने से पहले की मूव, या हम अपने पीस को सेफ करते हैं तो सेफ नहीं करते, उसके बदले कुछ और सरप्राइज मूव करते हैं, उसे कहते हैं इंटरमीडिएट मूव। इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन जो 6 नंबर है उसमें आपको क्या करना है कि नेचुरल एबिलिटी आपको इमेज करनी है, एंड गेम के बारे में इमेजिनेशन करना है कि एंड गेम इसकी कैसी होगी, पॉन स्ट्रक्चर के बारे में समझ के आपको आगे देखना है कि एंड गेम में मैं जीतने वाला हूँ या अपोनेंट जीतने वाला है, और पोजीशन किसकी बेटर है या इक्वल है, ये सब आपको देखना है, उसमें इमेजिनेशन होता है। ट्रैप्स, 7 नंबर ट्रैप। तो ट्रैप में हर एक मूव के बाद आप ट्रैप में फंसते हो या नहीं, ये आपको कैलकुलेशन करना है। और कॉम्बिनेशनल विजन, मतलब कॉम्बिनेशन आप कोई जबरदस्त लाते हो मिडल गेम की थियरी यूज करके, ये होता है कॉम्बिनेशनल विजन। तो ये 8 टेक्निक आपके अंदर होनी चाहिए। डिटेल में हम बात करेंगे अब दोस्तों, और भी ये 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ एडिशनल, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पोजिशन, हर एक मूव में आपको कौन सा इम्पोर्टेंट है ये भी देखना है। What I am trying to achieve, मैं क्या अचीव करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ये भी आपको हर बार सोचना है, और थिंकिंग मतलब याद रखना है। कैलकुलेट फोर्सिंग मूव फर्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फोर्स मूव सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम डिटेल में, चैप्टर टोटल मेरे पास 8 है जो कैंडिडेट्स मूव जो मैंने बताया है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है ये है कैंडिडेट्स मूव, तो इसके बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, और इसके बाद की जो वीडियो है कंटिन्यूज आपको देखते रहिए दोस्तों, तभी आप ग्रैंड मास्टर की तरह एक पूरी परफेक्ट गेम खेल सकते हो।
दोस्तों, तो सबसे पहला जो चैप्टर हम देख रहे हैं जिसमें ब्लैक आप ये पोजीशन में देख सकते हो कि पूरा पीस डाउन है और वाइट नाइट अप है, और आफ्टर लॉन्ग एंडिंग ब्लैक विल लॉस कंप्लीटली। जैसे कि रुक E2 और जो नेचुरल मूव है दोस्तों, अभी हम नॉर्मल प्लेयर की बात कर रहे हैं और जीएम मूव की बात करेंगे। रुक E2 ये हमारा स्ट्रेटेजिक मूव है जो सबको सिखाया जाता है कि रुक ऑन ओपन फाइव, रुक ऑन सेवन थ्रेट, ये बेस्ट चॉइस होती है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, वो पोजीशन पे डिपेंड होता है। रुक E2 व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट F3 RAC8 रुक बिहाइंड पास पोन करने के लिए और किंग F1। तो ये पोजीशन के बाद कंप्लीटली ब्लैक लॉस। तो पहले हम देखेंगे, अब आपको मैं बताता हूं जीएम लोग के मूव्स और हमारे मूव में क्या डिफरेंट है। नेचुरल मूव, अब देखो एक बढ़िया मूव बताऊंगा मैं आपको, बढ़िया यानी जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले रुक E1 व्हाट अ सरप्राइज, कभी आपने ऐसे मूव्स कैलकुलेट नहीं किए होंगे, और मान लो कि किए भी है तो आप उसमें सक्सेस भी होते हैं या नहीं ये है, पर ये आपको डीप कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि रुक E2 बेस्ट था ये जो रुक सेक्रीफाइस। रुक चेक में फोर्स मूव होगा, ये हमने पहले सोचा है फोर्स मूव रुक टेस्ट मूव, और नेक्स्ट मूव रुक D8। अब ये देखो गेम में अभी भी इक्वलाइज ब्लैक बता रहा है रुक देने के बाद भी। तो रुक D8 के बाद वाइट रिप्लाई देगा किंग G2, क्योंकि और कुछ भी मूव में रुक D1 आता है सिंपल, तो किंग G2 फोर्स है, और उसके बाद भी रुक टू D1 वाइट रिप्लाई देगा रुक E6 चेक, क्योंकि रुक टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है और क्वीन प्रमोट होने में एक मूव की दूरी है। और उसके बाद सिंपल रुक D6 व्हाइट रिप्लाई देगा रुक E2 और यहां आफ्टर द चेक यहां आप सिंपल किंग D5 कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि रुक चेक पॉसिबल नहीं है, आफ्टर किंग टेक्स रुक ब्लैक कंप्लीटली विनिंग। तो ये पोजीशन कैसे आई और आपने रुक सैक्रिफाइस क्यों किया, देखो ये जो कैलकुलेशन है ना ये IM लेवल का और GM लेवल का है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि कैंडिडेट मूव देखिए, आपकी चॉइस देखिए, आपको ये पॉन प्रमोट करना है तो रुक इस साइड होता अगर वाइट का रुक, तो डायरेक्टली आप रुक D1 करके रुक D8 करके रुक D1 के थ्रेट दे सकते हो। लेकिन फिलहाल रुक आपका F8 पे है और उसका रुक जो है वाइट का C1 पे है, तो उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पीस को। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग आइडियाज सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एक भी वीडियो मिस मत कीजिए। इस ग्रैंड मास्टर प्रिपरेशन के बारे में मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ, तो अगले वीडियो में इससे भी और भी आपको सारी टेक्निक सीखने को मिलेगी। मूव चॉइस कैसे करते हैं उसके बारे में डीप में हम देखेंगे। तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।